तालिबान मुजाकरात डेडलॉक का शिकार, हुकूमती कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म कहते हैं दहशतगर्दी के वाकयात मनफी असरात डाल रहे हैं। तालिबान एफसी अहलकारों के कत्ल की खुलकर मजम्मत करें, हुकूमती कमेटी ने मुजाकरात की बहाली के लिए शराइत पेश कर दी। रुस्तम शाह मोहम्मद कहते हैं बाकिया मुजाकरात सबोताज करने की कोशिश है। प्रोफेसर इब्राहिम का कहना है कि तालिबान को अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। फोर्सेज की हिरासत में दहशतगर्दों की हलाकत के इल्जाम मुस्तरद, सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं कि दहशतगर्दी का जवाब बनाया जा रहा है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि साथियों के कत्ल पर अहलकारों को कत्ल किया गया। जिन पर इंतहा पसंदों का और तालिबान का कब्जा है, एमके मिकायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले का वक्त आ गया। इमरान खान का फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। कराची में टारगेट किलर्स आजाद, निजी टीवी पर क्रैकर हमला। नाजिमाबाद में डेंटल कॉलेज का डीन कत्ल, पुरतशद्दुद वाकयात में मजीद 6 अफराद जान से गए। रजाकाबाद पुलिस हमले में मुलविस 2 मुलजिम मुकाबले में मारे गए। मुख्तलिफ कार्रवाईयों में टारगेट किलर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। सिंध असेंबली में हंगामा आरई, माइक बंद कराने पर एमकेएम का शदीद एहतजाज, डिप्टी स्पीकर शैला रजा के खिलाफ नारे। बहरिया टाउन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, मुल्तान की 3 माजूर बहनों को इमदादी चेक तकसीम। दुखियारे खानदान की अपील एआरवाई न्यूज पर नशर हुई। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और अमरीकी सफी रिचर्ड ऑल्सन सिंधी धुनों पर झूम उठे। खैरपुर में स्कूल की तकरीब में रक्स किया। मुजफ्फराबाद में स्नो कार रैली में ड्राइवर्स की महारत के सब कायल हो गए। बर्फ में बर्क रफ्तारी का मुजाहरा, मुकाबला भी और रक्स भी। और लंदन में ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, शहजादा विलियम भी शरीक हुए।